साथियों, मैंने ब्रिगेड मैदान में कहा था कि बंगाल का बीजेपी पर कर्ज है। बीजेपी जनसंघ से निकली पार्टी है, जनसंघ के जन्मदाता नाम की, जनसंघ जन्मदाता जन्मदाता नाम की, जनसंघ जन्मदाता नाम हो छे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के जनक इसी बंगाल के सपूत थे, इसलिए अगर यहां सही अर्थ में कोई बंगाल की पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी के डीएनए में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार है। इन्हीं संस्कारों को लेकर हम बंगाल के हर क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। हम सिर्फ बंगाल में कमल ही नहीं खिलाना चाहते, बल्कि बंगाल के लोगों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। साथियों, जहां जहां राज्यों में बीजेपी सरकारें हैं वहां केंद्र और बीजेपी की राज्य सरकार मिलकर के डबल इंजन की ताकत के साथ जनता जनार्दन की सेवा में लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर कहीं कोई गाड़ी, कोई बस कीचड़ में या गड्ढे में फंसी हो, अगर उसको बाहर निकालना हो तो सारे पैसेंजर नीचे उतर करके एक दिशा में धक्का मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मारते हैं कि नहीं मारते हैं? लेकिन आधे पैसेंजर आगे से पीछे की धक्का मारे और आधे पैसेंजर पीछे से आगे धक्का मारे तो कीचड़ से गाड़ी निकलेगी, गड्ढे से गाड़ी निकलेगी? सबको एक ही दिशा में करना होगा ना। बंगाल में भी दिल्ली की ताकत और बंगाल की ताकत दोनों इंजन एक दिशा में लगेंगे तब जाकर के बंगाल ये बर्बादी से बाहर निकलेगा। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में दीदी, ये दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बन करके खड़ी हो गई है। आपने दीदी पे भरोसा किया लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया। किया कि नहीं किया? विश्वासघात किया कि नहीं किया? आपके सपनों को चूर चूर कर दिया कि नहीं कर दिया? 10 साल में बंगाल को बर्बाद किया कि नहीं किया? और अब देखो, आज दीदी 10 अंगीकार की बात कर रही है। 10 अंगीकार? अरे दीदी, बंगाल के लोगों ने आपको 10 साल सेवा का अवसर दिया था लेकिन आपने उन्हें लूट मार से भरे 10 साल दिए। आपने उन्हें
10 साल का भ्रष्टाचार दिया, आपने उन्हें 10 साल का कुशासन दिया। साथियों, आप मुझे बताइए, यहां केंदुपत्ता बेचने के लिए भी कट मनी देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? कट मनी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? आदिवासियों को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? गरीब को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? मजदूर को भी देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बंगाल में ये कट मनी का सिस्टम बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बर्बादी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? साथियों, आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा, कल रात को 50-55 मिनट के लिए व्हाट्सएप डाउन हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया, लोग अधीर हो गए, चिंता में पड़ गए, सबके मन में सवाल खड़े हो गए। 50-55 मिनट के लिए हुआ था, लेकिन सबको हो रहा था क्या हो गया? लेकिन भाइयों बहनों, दुनिया में तो 50-55 मिनट, ये सोशल मीडिया की कुछ चीजें डाउन हो गई, यहां बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है, विश्वास ही डाउन हो गया है, सपने ही डाउन हो गए हैं, संकल्प भी डाउन हो गए हैं। मैं आपकी अधीरता समझ सकता हूं।